हेलो दोस्तों, तो कैसे हो सब लोग। आज हम इनलैंड और फॉरेन के जो पोस्टल रेट होते हैं, मेलिंग रेट, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला है पोस्ट कार्ड, सिंगल कार्ड। जो सिंगल पोस्ट कार्ड होता है उसका रेट क्या है, उसका रेट होता है 50 पैसे। तो 50 पैसे होते हैं एक सिंगल पोस्ट कार्ड का वैल्यू। रिप्लाई कार्ड का वैल्यू कितना होता है, 1 रुपया है। तो रिप्लाई कार्ड का वैल्यू कितना होता है, 1 रुपया है। ये सब इनलैंड है, ठीक है फ्रेंड्स। मेघदूत पोस्ट कार्ड, तो मेघदूत पोस्ट कार्ड जो होता है उसका वैल्यू होता है 25 पैसे। तो मेघदूत पोस्ट कार्ड जो होता है उसका वैल्यू होता है 25 पैसे। प्रिंटेड कार्ड, पोस्ट कार्ड कंटेनिंग प्रिंटेड कम्युनिकेशन। तो प्रिंटेड कार्ड जो होते हैं प्रिंटेड कम्युनिकेशन के लिए जो पोस्ट कार्ड होते हैं उसका वैल्यू कितना है, 6 रुपया। तो प्रिंटेड कार्ड का वैल्यू कितना है, 6 रुपया। इनलैंड लेटर कार्ड, जो इनलैंड लेटर कार्ड आते हैं ऑर्डिनरी लेटर में, इनलैंड लेटर कार्ड जो आते हैं रजिस्ट्री में आता है, ऑर्डिनरी में आता है, तो उसका वैल्यू कितना है, 2.5 रुपये। और रजिस्ट्री में इनलैंड लेटर कार्ड आया तो उसका वैल्यू होता है 19.5 रुपये, 19.50 रुपये, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर ऑर्डिनरी में आया तो उसका वैल्यू होता है 2.5 रुपये। लेटर्स मैक्सिमम वेट 2 kg, फॉर वेट नॉट एक्सीडिंग 20 ग्राम। तो जो लेटर होते हैं, लेटर का मैक्सिमम वेट कितना होना चाहिए इनलैंड लेटर कार्ड का, तो 2 kg तक तो होना चाहिए। और मैक्सिमम जो और 20 ग्राम तक लेटर का जो रेट होता है वो है 5 रुपया। और फॉर एवरी एडिशनल 20 ग्राम और फैक्शन देर को, और अगले जो 20 ग्राम होते हैं उसके लिए 5 रुपये देना पड़ते हैं। तो अगर कोई लेटर का 40 ग्राम वेट होता है तो उसको 10 रुपया देना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। 40 ग्राम के लिए, सॉरी, 40 ग्राम के लिए 15 रुपया, 39 ग्राम तक 10 रुपया, ठीक है फ्रेंड्स। बुक पैटर्न एंड सैंपल पैकेट्स, मैक्सिमम वेट 5/2 kg, मतलब 2.5 kg फॉर एवरी फॉर द फर्स्ट 50 ग्राम। तो क्या है, तो बुक पैटर्न एंड सैंपल पैकेट्स के लिए रेट कितना है, 4 रुपया। मैक्सिमम वेट कितना होता है, 2.5 kg, 5/2 kg, मतलब 2.5 kg मैक्सिमम वेट होता है। और एवरी और पहला जो 50 ग्राम होता है बुक सैंपल पैकेट्स के, उसके लिए 4 रुपया देना पड़ता है। और फॉर एवरी 50 ग्राम और फैक्शन एडिशनल 50 ग्राम के लिए 3 रुपया। तो पहला जो 50 ग्राम होता है सैंपल पैकेट से बुक पैटर्न के लिए, तो उसके लिए 4 रुपये देना पड़ता है। और अगले जो होते हैं उसके लिए 3 रुपये। तो अगर 100 ग्राम किसी का वेट है, किसी सैंपल पैकेट का वेट है, तो उसके लिए कितने रुपये देना पड़ता है, 4 रुपया। और अगले 50 ग्राम के लिए 3 रुपये, तो 7 रुपये देना पड़ता है। और ठीक है फ्रेंड्स, बुक पैकेट्स कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स मैक्सिमम वेट 5 kg। तो क्या बोला है, जो प्रिंटेड बुक होता है, बुक पैकेट में प्रिंटेड बुक होता है उसका मैक्सिमम वेट कितना होता है, 5 kg, 5 kg होता है। और फॉर फर्स्ट 100 ग्राम के और फैक्शन देर हो, तो क्या बोला है, जो प्रिंटेड बुक होता है उसका मैक्सिमम वेट 5 kg होना चाहिए। और पहला जो 100 ग्राम होता है उसके लिए 1 रुपया देना पड़ता है। और फॉर एवरी 100 ग्राम्स और फैक्शन देर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 100 ग्राम्स, उसके लिए भी 1 रुपया। तो अगर 100 रुपया किसी किसी बुक का वेट है तो उसके लिए 1 रुपया, और अगले जो 100 ग्राम होता है उसके लिए भी 1 रुपया। तो 100 100 करके 1 1 रुपया देना पड़ता है, पर 100 ग्राम में 100 1 रुपया देना पड़ता है। बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल्स रजिस्टर विथ रजिस्टर अब न्यूज़पेपर। तो बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल जो होते हैं तो उसके लिए कितने रुपये देना है, वैल्यू ऑफ पीरियोडिकल फॉर्म ₹1 to ₹20 तक, अप टू 100 ग्राम के लिए 2 रुपया। तो वैल्यू ऑफ पीरियोडिकल जो होता है, अगर पीरियोडिकल का वैल्यू 1 रुपये से 20 रुपये तक होंगे तो, और 100 ग्राम तक होंगे तो उसके लिए 2 रुपये देना पड़ते हैं। तो शर्त क्या है, 1 रुपये से 20 रुपये तक पीरियोडिकल का वैल्यू होना चाहिए और 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए 2 रुपये देना पड़ता है। और फॉर एवरी एडिशनल 100 ग्राम के लिए 3 रुपये देना पड़ता है। तो
तो पहला 100 ग्राम के लिए 2 रुपया और एडिशनल 100 ग्राम के लिए 3 रुपया देना पड़ता है। वैल्यू पीरियडिकल्स और रेज 21 to 50, तो 21 रुपये से 50 रुपये तक पीरियडिकल का वैल्यू है तो उसके लिए, और 100 ग्राम से अप टू 100 ग्राम तक कितने रुपया देना पड़ता है, 4 रुपया देना पड़ता है। तो पीरियडिकल का वैल्यू अगर 21 रुपये से 50 रुपये तक होगा तो, और पीरियडिकल का जो वेट है वो 100 ग्राम से कम होगा तो उसको 4 रुपया देना पड़ता है पोस्टल को, पोस्टल रेट को चार, पोस्टल रेट 4 रुपया देना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर एवरी एडिशनल 100 ग्राम्स और पार्ट दे आर ऑफ, तो क्या बोला है, अगर 100 ग्राम से ज़्यादा हुआ तो उसके लिए 5 रुपये देना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 100 ग्राम्स तक तो 4 रुपये देना पड़ता है, 21 से 50 रुपये तक अगर पीरियडिकल का वैल्यू हुआ तो, और 100 ग्राम से ज़्यादा हुआ तो 5 रुपये देना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, वैल्यू ऑफ पीरियडिकल रेज 51 एंड अबव, तो अगर पीरियडिकल का वैल्यू 51 और 51 से ज़्यादा हुआ तो उसके लिए 8 रुपया देना पड़ता है 100 ग्राम तक। 100 ग्राम तक अगर पीरियडिकल का वैल्यू 51 रुपये से, 51 रुपये से और 51 रुपये और उससे ज़्यादा हुआ तो 8 रुपया देना पड़ता है, और 100 रुपये से ज़्यादा हुआ तो 9 रुपया देना पड़ता है। ठीक है फिर, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट मैक्सिमम वेट 77 kg, तो क्या बोला है, जो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट होते हैं उसका मैक्सिमम वेट कितना होता है, 7 kg, तो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट का मैक्सिमम वेट कितना होता है, 7 kg, और ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट का पोस्टेज रजिस्ट्रेशन एंड एक्नोलेजमेंट चार्ज जो होता है वो फ्री होता है, तो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट का कोई भी पोस्टेज चार्ज नहीं लगता है, और ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट का मैक्सिमम वेट जो होता है वो होता है 7 kg। तो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट का सिर्फ एक चार्ज रहता है, वो है या सर चार्ज, या सर चार्ज लगता है ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट का, वो कितने रुपए का होता है, 21 रुपये का, 21 रुपये का ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट का या सर चार्ज होता है, और कोई भी पोस्टेज चार्ज नहीं लगता है। पार्सल मैक्सिमम वेट 20 kg, 10 kg बुक और डिलीवर बी ओ फॉर वेट नॉट एक्सीडिंग 500 ग्राम, तो पार्सल जो होता है मैक्सिमम वेट होता है 20 kg, अगर एच ओ और एसओ में बुक किया तो, और बी ओ में बुक किया तो उसके लिए 10 kg तक तो बुक किया जा सकते हैं, तो एसओ में पार्सल को 20 kg तक तो बुक किया जा सकते हैं और बी ओ में 10 kg तक तो बुक किया जा सकते हैं, और 500 ग्राम से कम हुआ तो उसके लिए 90 रुपया चार्ज लगते हैं, तो पार्सल का वेट अगर 500 ग्राम से कम हुआ तो उसके लिए 90 रुपये चार्ज लगते हैं, और फॉर एवरी एडिशनल 500 ग्राम के लिए 16 रुपये लगते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर कोई पार्सल का वेट होता है 1 kg, 1 kg होता है तो उसके लिए कितना चार्ज लगेगा पोस्टल को, तो लगेगा नाइन, पहला जो 500 ग्राम उसके लिए लगता है 19 रुपीज़, और अगले जो 500 ग्राम होते हैं उसके लिए 16 रुपीज़, तो टोटल है 35 रुपीज़ लगते हैं 1 kg पार्सल के लिए। फॉर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर मस्ट बी रजिस्टर्ड विद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, तो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर जो होते हैं तो डिपार्टमेंट डीओपी के द्वारा रजिस्टर किया जाता है, मस्ट बी रजिस्टर्ड विद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। सिंगल कॉपी के लिए, सिंगल कॉपी के लिए रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के सिंगल कॉपी के लिए 50 ग्राम तक लगते हैं 25 पैसे, सिंगल कॉपी के लिए 50 ग्राम तक सिंगल कॉपी के लिए लगता है 25 पैसे, और फॉर ए वेट एक्सीडिंग 50 ग्राम बट नॉट एक्सीडिंग 100 ग्राम उसके लिए लगता है 50 पैसे, तो अगर 50 ग्राम से ज़्यादा हुआ और 100 ग्राम से कम हुआ तो उसके लिए लगता है 50 पैसे सिंगल कॉपी के लिए, और 50 ग्राम से कम हुआ तो उसके लिए 25 पैसे, और फॉर एवरी एडिशनल 100 ग्राम और पार्ट ऑफ दर ऑफ एक्सीडिंग 100 ग्राम उसके लिए 20 पैसे, और अगर 100 ग्राम से ज़्यादा हुआ उस 100 ग्राम और 100 ग्राम से ज़्यादा हुआ तो उसके लिए 20 पैसे लगते हैं एडिशनल 20 पैसे, तो अगर किसी जो सिंगल कॉपी का वेट होता है 200 ग्राम तो उसके लिए कितने रुपया देना पड़ता है, तो पहले 100 रुपये के लिए 50 पैसे,
और दूसरे जो 100 ग्राम है उसके लिए 20 पैसे, तो टोटल 70 पैसे देना पड़ता है। इन केस ऑफ मोर देन वन कॉपी ऑफ द सेम इशू ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर बीइंग कैरेड बाय इन द सेम पॉकेट डिलीवर एट द विंडो पोस्ट ऑफिस फॉर अवॉइड एक्सीडिंग 100 ग्राम के लिए 50 रुपये। तो अगर वन कॉपी से ज़्यादा हुआ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का और सेम पैकेट में अगर इशू हुआ तो, और जो विंडो डिलीवर विंडो पोस्ट ऑफिस विंडो में डिलीवर होगा तो उसके लिए 50 पैसे लगते हैं। और उसका वेट कितना होना चाहिए, 100 ग्राम से कम होना चाहिए। और फॉर एवरी एडिशनल 100 ग्राम और पार्ट देयर ऑफ एक्सीडिंग 100 ग्राम उसके लिए 20 पैसे। तो अगर 100 ग्राम से ज़्यादा हुआ और 100 ग्राम से ज़्यादा हुआ तो उसके लिए 20 पैसे देना पड़ता है, एडिशनल 100 ग्राम के लिए 20 पैसे। रजिस्ट्रेशन फी और फी ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन फी के लिए कितने रुपये देना पड़ता है, 17 रुपया, ये हम सब जानते हैं। रजिस्ट्री चार्ज कितने होते हैं, 17 रुपया। कॉन्सेशनल रजिस्ट्रेशन फी फॉर VPP कंटेनिंग प्रिंटेड बुक द प्रिंटेड और स्टैम्प वैल्यू देयर ऑफ डज नॉट एक्सीड 50 रुपया। तो उसके लिए अगर कॉन्सेशनल रजिस्ट्रेशन फी होता है VPP प्रिंटेड बुक प्रिंटेड स्टैम्प वैल्यू उसके लिए जो 50 रुपये से कम है उसके लिए 2.5 रुपये देना पड़ता है, चार्ज लगते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम पोस्टल मैनेजर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। वीडियो को अच्छा लगे वीडियो जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।